नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित हल्दर। आपको स्वागत करता हूं एज कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सब प्रश्न सॉल्व करने के लिए मैं बहुत आसान ट्रिक्स बताऊंगा, जिसके वजह से आप लोग सभी प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का वीडियो का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, नीचे तीन चित्र दुआ है। तो इधर 361 है सर्कल के बीच में, इधर है 784, मतलब कि इधर जो संख्या दिया है 6 4 5 1 3, इधर 0, इन संख्या को मिलकर 361 हुआ है। इधर भी 2 8 5 6 4 3 को मिलकर 784 हुआ है। तो इधर पहले हमको क्या करना होगा, इन दोनों को देखेंगे कि कैसे हो रहा है, मतलब कि इन संख्या को मिलकर कैसे 361, इन संख्या को मिलकर कैसे 784 हो रहा है। ठीक वैसे ही हम 251347 को मिलाकर कुछ भी करके जोड़ के घटा के स्क्वायर करके क्यूब करके कुछ भी करके लाना है, मतलब कि ये दोनों जैसे आ जाएगा ठीक वैसे ही हम इसके साथ भी करेंगे। अगर दोस्तों अगर हम ध्यान से देखेंगे इन संख्या को, अगर हम जोड़ दें, देखिए दोस्तों जोड़ दे 6 4 10 10 5 15 15 1 16 16 और 3 19, क्या आया 19। अगर 19, अरे 361 इधर 784 है। देखिए दोस्तों, अगर इधर 361 है, इधर 784 है, एक कुछ ना कुछ संख्या का स्क्वायर क्यूब होता है। तो अगर हम इधर इन संख्या को जोड़ के क्या आया 19, 19 का अगर स्क्वायर कर दे, मतलब कि 19 का 19 से गुना कर दे तो आता है 361। देखिए आ गया। अभी हम देखेंगे इन संख्या को जोड़ के आ रहा है कि नहीं, 2 8 10 5 15 15 8 6 21 25 27 28, 28 का स्क्वायर कर दे, मतलब कि 28 को 28 से गुना कर दे, क्या आता है देखिए, कर रहा हूँ इधर में कहीं भी, देखिए इधर कर रहा हूँ, 28 को 28 से गुना करके क्या 784 आ रहा है कि नहीं, 8 8 64 6 8 2 16 6 22 8 2 16 1 2 2 4 5 56 4 6 8 5 7, देखिए 784 आ गया। तो समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे हो रहा है, इन संख्या को जोड़ के जो संख्या आ रहा है उसका स्क्वायर, मतलब कि उन संख्या को उन्हीं संख्या से गुना करके आ गया, इधर भी हो गया। ठीक वैसे ही अभी हम इन संख्या के साथ करेंगे, 2 5 7 1 8 3 11 4 15 7 22, 22 का स्क्वायर मतलब 22 को 22 से गुना करके क्या होता है, देखिए अगर इधर 22 को 22 से अभी हम गुना करेंगे, 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 4 8 4, 484। अभी देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 484, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही ईजी प्रश्न था दोस्तों। पहले क्या किया, जो संख्या है उन्हीं सब संख्या को जोड़ के जो संख्या आ गया उसका स्क्वायर कर दिया, बस हो गया, 361 आ गया, इधर 784 आ गया। ठीक वैसे ही इन संख्या को जोड़ के 22 आ गया इसका स्क्वायर, मतलब कि 22 को 22 के साथ गुना करके 484 आ गया, ऑप्शन नंबर सी में है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज का वीडियो का दूसरा प्रश्न है, निम्न पार्श्व में 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों पहले हम प्रश्न को समझ लेंगे, समझने के बाद उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, तब भी सॉल्व होगा, अगर प्रश्न समझे नहीं तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। 3 के विपरीत सतह पर, मतलब कि 3 के विपरीत पे, 3 के ऑपोजिट साइड में कौन सा अंक होगा। तो ये पासे के प्रश्न है। तो दोस्तों इन टाइप के प्रश्न करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करना होता है, और इन प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, मतलब कि रिपीट हुआ है। तो पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और अपने आप से कोशिश करेंगे इसे सॉल्व करने के, ऐसे आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक, आप बाद में एग्जाम के टाइम आसानी से कर पाएंगे, अगर अभी ना कर पाए तो वीडियो को दोबारा चालू करना, देख लेना कि मैं कैसे करूँ। तो दोस्तों आते हैं प्रश्न पर। तो दोस्तों इधर पहले हम देखेंगे इन जो पासे का चित्र दिया है कौन कौन संख्या कॉमन है। तो देखिए दोस्तों इधर 2 3, इधर भी 2 3 है, मतलब कि 2 3 2 3 कॉमन है। इन संख्या को छोड़कर जो संख्या रह गया, कॉमन संख्या को छोड़ के जो संख्या रह गया 1 और 4, मतलब कि 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। लेकिन इधर पूछे गए हैं 3 के विपरीत सतह पर, मतलब कि 3 के विपरीत में कौन सा संख्या आएगा। तो 1 के विपरीत 4 हो गया, और 2 और 3 एक ही पासे में देख रहा है, तो 2 3 आपस में विपरीत नहीं होगा, तो 2 3 विपरीत नहीं होगा आपस में। तो 1 का विपरीत हो गया 4,
तो तीन का विपरीत दो कभी नहीं होगा, तो एक चार और दो नहीं होगा, क्योंकि एक का विपरीत चार और दो तीन दिख रहा है, मतलब कि तीन का विपरीत दो नहीं होगा, तो एक दो चार हो गया। रह गया क्या, पाँच और छः, पाँच और छः रह गया। तो देखिए दोस्तों, इधर पाँच भी दिख रहा है तीन के साथ, मतलब कि तीन का विपरीत पाँच नहीं होगा, तीन का विपरीत दो भी नहीं होगा, और एक और चार आपस में एक दूसरे के विपरीत है, तो एक चार दो और अभी हो गया पाँच इनके साथ, तो एक चार दो पाँच तीन का विपरीत नहीं है, तो रह गया कौन सा संख्या, छः। तो दोस्तों तीन का विपरीत हो जाएगा छः। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों पहले क्या किया, एक का विपरीत चार वो हमने निकाल लिया, और दो और तीन दिख रहा है, तीन का विपरीत पूछे गए है, तीन इधर भी दिख रहा है, पाँच दिख रहा है, मतलब कि एक का चार आपस में विपरीत हो गया और तीन का विपरीत नहीं है, दो और पाँच भी दिख रहा है तीन के साथ, तो दो और पाँच भी तीन का विपरीत नहीं होगा, रह गया छः, तो छः अवश्य तीन का विपरीत हो जाएगा, तो तीन का विपरीत छः ऑप्शन नंबर डी में है। तो दोस्तों आज का वीडियो का तीसरा प्रश्न है, पी क्यू से बड़ा है, आर एस से बड़ा है, लेकिन टी से छोटा है, क्यू एस से छोटा और एस पी से लंबा है, तो बताए सबसे बड़ा कौन है। तो दोस्तों बहुत ही भारी प्रश्न है और इसको धीरे धीरे हम पार्ट पार्ट करके सॉल्व करेंगे, तो ये बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों पहले क्या क्या, इधर पी क्यू से बड़ा है, तो मतलब कि इधर पूछा गया कि पी ग्रेटर देन क्यू, अभी पूछे गए आर एस से बड़ा है, तो आर ग्रेटर देन एस, अभी इधर दिया है कि आर एस से बड़ा लेकिन टी से छोटा है, मतलब कि आर एस से बड़ा लेकिन टी से छोटा, मतलब कि टी आर से बड़ा है, टी ग्रेटर देन आर, अभी पूछे गए क्यू एस से छोटा, क्यू एस से छोटा, मतलब कि एस ग्रेटर देन क्यू, आर एस पी से लंबा है, एस पी से लंबा है, मतलब कि लंबा या बड़ा एक ही चीज़ है, तो एस पी से लंबा है, तो एस ग्रेटर देन पी यू, अभी पूछे गए तो बताए सबसे बड़ा कौन है। तो दोस्तों कौन सा लेटर किससे बड़ा है ये हम सब कर लिए इधर सीरियस वाइज, तो अभी देखेंगे पहले क्या, पी क्यू से बड़ा, तो पी क्यू से बड़ा हो गया, आर एस से बड़ा है लेकिन टी से छोटा, आर एस से बड़ा लेकिन टी से छोटा हो गया, मतलब कि टी आर से बड़ा है, आर एस से बड़ा है, एस क्यू से बड़ा है, और पूछे गए एस पी से भी बड़ा है, और पी क्यू से बड़ा है, मतलब कि इधर पी हो जाएगा अभी इधर क्यू हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या हुआ, टी आर से बड़ा, आर एस से बड़ा हो गया आर ग्रेटर देन एस, एस क्यू से बड़ा और एस पी से भी बड़ा, और पी क्यू से बड़ा, तो एस पी से बड़ा हो गया, एस पी से बड़ा और पी देखिए क्यू से बड़ा हो गया, तो सबसे पहले आ गया टी, मतलब कि सबसे बड़ा कौन है, टी, ऑप्शन नंबर डी में है, सो ऑप्शन नंबर टी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज का वीडियो का चौथा प्रश्न है, निम्न श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, नीचे एक श्रेणी दिया है, दो तीन छः चार पाँच बीस छः सात बयालीस आठ नौ सत्तर, तो इन सीरीज में एक संख्या ऐसा है जो गलत है। तो दोस्तों ये प्रश्न सॉल्व करने से पहले एक बात है जो है कि आप में से जो कोई भी अभी तक मेरे इस चैनल को मतलब कि एज कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों आप ज़रूर मेरे इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा हुआ है कि या नहीं, और कुछ सुझाव देना चाहते भी वो भी दिए, और कौन सा चैप्टर कराऊँ या चैप्टर वाइज है ऐसे ही करके जाऊँ बताए ज़रूर। तो आते हैं प्रश्न में, दो तीन छः चार पाँच बीस छः सात बयालीस आठ नौ सत्तर, तो पहले हम देखेंगे ये सीरीज़ कैसे चल रहा है। देखिए दोस्तों दो तीन, दो से तीन को गुना करके दे तो छः आता है, इधर चार पाँच दिया है, दो तीन चार पाँच, एक एक संख्या छोड़ के देखिए, दो संख्या दो तीन, एक छोड़ के चार पाँच, फिर बीस को छोड़ के छः सात, फिर फोर्टी टू को छोड़ के इधर आठ नौ हो गया। तो देखिए दोस्तों अगर दो और तीन को गुना करते तो दो तीन छः आता है, चार पाँच, चार पाँच बीस आता है, छः सात, छः सात बयालीस आता है, तो अभी तक समझ में आ गया कैसे चल रहा है, आठ नौ, आठ से नौ को गुना करते तो सेवेंटी टू आता है, लेकिन
इधर दिया है 70, मतलब कि पूछे गए श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, तो गलत संख्या 70 है। सो ऑप्शन नंबर ए में है 70, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार दोबारा करो, कैसे चल रहा है सीरीज, 2 3 2 3 6 4 5 20 6 7 42, मतलब कि 42, और 8 9 72 72 होता है, तो इधर दिए गए 70। सो पूछे गए गलत संख्या, तो गलत संख्या इधर 70 है और ऑप्शन नंबर ए में है 70, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज का लास्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए हैं, तो इधर क्वेश्चन मार्क दिया है इन प्रश्नों में, तो इन क्वेश्चन मार्क में कौन सा संख्या आएगा। तो दोस्तों जो जो संख्या दिया है इधर 10 14 10 11 14 9 16 18, इधर क्वेश्चन मार्क है, इधर चार ऑप्शन दिया है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, इन संख्या का ये सीरीज इस तरफ से या इस तरफ से सॉल्व हो सकता है। तो अगर इस तरफ से देखेंगे तो 10 14 10 दिया है इधर, मतलब कि इन दोनों को मिलके इधर 10 लाना है, इधर 11 14 के 9 लाना है, ठीक वैसे 16 18 को ऐसे होगा। या भी ये भी हो सकता है कि 10 11 16 इस तरफ से सॉल्व हो जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे ये जो इस टाइप के प्रश्न जो होता है ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यही प्रश्न जो है थोड़ा सा आसान नहीं है, थोड़ा कठिन है। तो कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करना होगा बहुत, फिर इसे सॉल्व कर पाएंगे इस टाइप के प्रश्न को। ए स्क्वायर क्यूब जोड़ के घटाकर कुछ भी करके होता है। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें, तो देखिए दोस्तों इधर 10 और 16 है, अगर हम 10 से 16 को जोड़ दें, क्या करेंगे 10 को 16 से जोड़ दें और उसे 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या होता है 10 16 26, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 13, और 13 से वही 2 वापस क्या करेंगे घटाएंगे तो आ गया 11। देखिए दोस्तों 11 आ गया। अभी क्या करेंगे, इधर 14 18 को भी जोड़ देंगे, 14 से 18 को जोड़ दे तो आता है 10 10 20 28 4 32, 32 से 2 को डिवाइड करके आता है 16, 16 से वही 2 हम घटाएंगे तो आ गया 14, देखिए 14 आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इधर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, ये संख्या बीच के जो संख्या हो रहा है वो क्या पिछले संख्या से 2 घटाकर ये संख्या आ रही है, तो इधर बीच में दिया हुआ है ये संख्या हमें निकालना है। तो ये संख्या क्या हो रहा है, बीच की जो संख्या है वो 2 घटाकर आ रही है, तो मतलब कि 9 9 पिछले जो संख्या है वो संख्या से 2 घटाकर आया है, मतलब कि 9 से पिछले कौन सा संख्या है वो 9 2 11, मतलब कि 11 से 2 घटाकर 9 आया है, मतलब कि इधर समझे 11 है, 2 घटाकर इधर 9 आया है, समझिए। अरे 11 कैसे आ गया, 11 आया इधर छोड़ देते, नीचे कर रहा हूँ अभी, 9 इधर, इधर 11 से 2 छोड़ के 9, इधर देखिए 14 कैसे आ गया, 16 से 2 छोड़ के 14, 16 कैसे आ गया, 2 से डिवाइड करके एक संख्या दिया है 10, इधर कौन सा संख्या दे जो इन से 10 से जोड़ के 2 से डिवाइड करके 11 आएगा। तो देखिए दोस्तों 11 का डबल क्या होता है, 11 का डबल होता है 22, मतलब कि जो संख्या आ रहा है 2 से डिवाइड करके तो 11 हो रहा है, तो 11 का डबल क्या होगा 22, तो 22 होने के लिए 10 से कितना संख्या जोड़ना चाहिए, 22 होना चाहिए 10 से 12 जोड़ना चाहिए, देखिए 10 और 12 जोड़ के हो गया 22, 22 से 2 को डिवाइड करके 11 और 11 से 2 घटा के 9, तो इधर कौन सा संख्या आ गया 12, मतलब कि 12, मतलब कि क्वेश्चन मार्क होगा 12, क्वेश्चन मार्क होगा 12, और देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 12, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों समझ में आ गया आपको, मैं धीरे धीरे से समझाया आपको। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और आप वीडियो को जरूर शेयर करना, थैंक यू।